हे वेलकम बैक आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस डॉक्टर मुखर्जी ने दिल्ली मेरे प्यारे बच्चों आज का जो वीडियो है ना बहुत खतरनाक है आज जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपने बहुत जगह हिंदी से अंग्रेजी बनाना सिखा होगा आप हिंदी से ट्रांसलेशन बनाना सिखाया होगा मैं आपको आपने उसको देखा बहुत जगह आप देखते हो लेकिन आज सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं इंग्लिश से हिंदी कैसे पूरा पेपर हिंदी कर लो पूरा कोई भी इंग्लिश का नॉवेल हिंदी कर लो आप बड़े से बड़ा तूफान कोई भी तूफान सेंटेंस हो अंग्रेजी से हिंदी करने का कॉन्सेप्ट आज अभी इस पांच मिनट के वीडियो में आपका दिमाग खोल देगा और सारे ट्रिक्स फ्लॉप एक ट्रिक्स एक साइट बस आप इसको तरीके से अब आपको अंग्रेजी का डर खत्म हो जाएगा क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी होने के कारण कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे दिमाग में हिंदी आता है अब अंग्रेजी कहीं लिखा है तो दिमाग कहता है कि हिंदी 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 तो दिमाग हमेशा हिंदी को प्रेफर करता है और हिंदी हम पेपर में एक लाइन पढ़े नहीं कि दिमाग कहता हिंदी बताओ नॉवल अंग्रेज़ी का पढ़ना चाहते हैं अंग्रेज़ी में पढ़ा तुरंत कहता हिंदी बताओ तो हमने क्या किया एक ट्रिक्स आपके लिए एक ट्रिक्स काफी कंसेप्ट के बाद रिसर्च के बाद हमने एक ऐसा ट्रिक्स दिया कि दुनिया का कोई तूफान सेंटेंस हो छोटा हो या बड़ा हो चाहे दुनिया का कोई सेंटेंस हो आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को ईजी वे में ट्रांसलेट कर सकते हैं ट्रांसलेट इन टू हिंदी आप किसी भी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो क्लियर तो हमने कहा इंग्लिश से कैसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करें क्लियर अब यहां देख लो हमने एक अंग्रेजी का लाइन लिखा है हम अनजान हैं बिल्कुल इनोसेंट बच्चे की तरह मैं आपकी तरह सोच रहा हूं हमने एक द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन अब हमको हिंदी चाहिए तो सबसे पहले धीरे धीरे आपको वो तरीका सीखना है जो मैं दे रहा हूँ अगर सीख गए ना ना, तो दु, दुनिया का कोई सेंटेंस हो दुनिया का कोई पेपर हो मैगजीन हो पेप, कुछ भी हो आप उसको आसानी से लिख करके पूरे किताब अंग्रेजी का आप हिंदी में लिख सकते हो बस इसको देखो आप पीपल ऑफ इंडिया आर सबसे पहले दुनिया का कोई सेंटेंस हो आप वर्ब ढूंढो क्या कहा हमने वर्ब वर्ब चाहे एक्सलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो अब सेंटेंस को पढ़ो है, है जैसा कहूँ ना वैसा ही करो उस एक्सलरी वर्ब को बॉक्स बना लो उस बॉक्स में घेर लो उसको उस एक्सली वर्ब को बॉक्स में घेर लो और उसके बाएं और उसके दाएं जो जो प्रेपोजिशन है उस प्रेपोजिशन को सर्कल बना करके घेर लो देखो न कर लिया बस देखते जाओ क्या जादू हो रहा है एकदम जादूत्र होगा हमने आर लिया अब जो बाएं हैं बाएं उसमें नंबरिंग कर दो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ध्यान रहे प्रेपोजिशन का भी नंबरिंग होगा उसके बाद दाएं से सबसे लास्ट नंबर जो तीन किया तो यहाँ चार नंबर पांच नंबर छह और सबसे अंतिम नंबर तुम वर्ब को देना जो लास्ट सेंटेंस का होगा ध्यान रहे सबसे पहले वर्ब को सुन लीजिए गौर से सबसे पहले वर्ब को आप बॉक्स बना के ढक लीजिए इससे आपको हेल्प मिलेगा अभी ऐसे करने के बाद जब दो चार सेंटेंस का प्रैक्टिस करवा दूँगा ना कहीं ऑक्स बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा फिर आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी किताब को बस अभी सीखो तो हमने अभी आर को क्या किया बॉक्स बना लिया आराम से देखिए आर को बॉक्स बना लिया उसके बाद जो जो प्रेपोजिशन था जैसे यहाँ देखा इंडिया का ऑफ प्रिपोजिशन है तो उस ऑफ को हमने सर्कल कर लिया क्लियर यहाँ देखा हमने इन प्रेपोजिशन है सर्कल कर लिया तो बाएं दाएं सारे प्रिपोजिशन सर्कल कर लिया उसके बाद बाएं से बाएं से नंबरिंग करना है देखो तो बाएं यही ना है तो हमने बाएं चला आर के तो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर और उसके बाद यहाँ के बाद सबसे अंतिम वर्ड को हम लोग नंबरिंग किया तो एजुकेशन हो गया एक वर्ड तो चार नंबर दे दिया इन हो गया पांच दे दिया पुअर छ नंबर और अंतिम कौन होता है वर्व तो लास्ट हमेशा को नंबर देना अब जैसे जैसे नंबरिंग किया है वैसे वैसे हिंदी लिखना शुरू कर दो पहला नंबर में कौन है भारत भारत के बाद क्या है ऑफ ऑफ का हिंदी का के की तो भारत के पीपल का मतलब लोग तो भारत के लोग कहो या लोगों कहो एक ही बात है भारत के लोगों ठीक है या भारत के लोग बोल सकते हैं आप जो मर्जी करें नेचर देखो क्या है उसके बाद यहां क्या है? इंडिया ऑफ पीपल भारत के लोग उसके बाद कहां चला चार नंबर एजुकेशन भारत के लोग शिक्षा देखा आपने शिक्षा अब क्या दिया मे इनका मतलब में देख रहे हो यहां दिया हमने चार नंबर यहां दिया पांच नंबर अब देखो पुअर गरीब आर का मतलब है है ना आर का मतलब है भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं क्लियर सेंटेंस तो जब पढ़ा तो यहां पे लोगों फिट नहीं बैठ रहा था तो भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं है आप बड़े -बड़े हमने क्या किया यहां देखो यह लिया यहां देखो यह इसको लिया है ना यहां देखो यह इसको लिया तो आपको पकड़ना है कि सबसे पहला क्या पकड़ना वर्व को तो वर्व सबसे लास्ट पॉइंट तो इंडिया एक नंबर ऑफ दो नंबर पीपल तीन नंबर फिर हमने यहां से लिया एजुकेशन शिक्षा देखो चार नंबर इन लिया पांच नंबर छे नंबर गरीब सात नंबर है समझ में आया अब आप ये सेकंड एग्जांपल देखिए अब सेकंड क्या कहते हैं बच्चे अब देखो पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइट्स ऑफ इंडिया इज वेरी पीटिएबल हमने थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिया और तूफान लेंगे और बड़े सेंटेंस लेंगे हर छोटा से छोटा सेंटेंस और बड़ा से बड़ा सेंटेंस चुटकियों में आप सोल्व करोगे अब अब बस देखो तरीका सबसे पहले बोलो क्या करना है इस वर्ब को बॉक्स में डाल लेना है ताकि पहचान मिल जाए आज ही आप किताब को ट्रांसलेट करो मेरे सामने आज ही कोई किताब ले लो एन ले लो आज ही आप योजना कुरुक्षेत्र ले लो आज ही आप नॉवल ले लो और आज ही आप ट्रांसलेट करो आपको हिंट मिलता है कि नहीं आपको हेल्प मिलता है कि नहीं अगर आप मेरे पढ़ाने से एटी परसेंट नाइन्टी परसेंट और बाकी तो टेन ट्वेंटी परसेंट एक्सपीरियंस गेन करोगे आप धीरे धीरे हमने इसको क्या किया बॉक्स न लिया अब देखो इसके बाएं और इसके दाएँ तो बोलो बेटा बाएँ यही है कि नहीं है है ना तो बाएं से सबसे पहले प्रेपोजिशन को बॉक्स में लो बोलो ऑफ है सर्कल कर दिया इन को सर्कल कर दिया ऑफ को सर्कल कर दिया अब चलेंगे दाएं दाएं में कोई प्रेपोजिशन नहीं है कोई बात नहीं अब जो है नंबरिंग कहां से करना याद है नंबरिंग करना है पहले बाएं से तो यहां इज के बाएं कौन है भाई इंडिया तो इंडिया को हमने एक नंबर दिया उसके बाद क्या बचा ऑफ ऑफ को दो नंबर दिया राइट द रूरल साइट्स एक शब्द हो गया तो इसको तीन नंबर दिया बस सीखो जो तरीका दे रहा हूं ना ये इंडिया में पहली बार तुमको मिल रहा है ए, भारत में पहला तरीका है आज तक पूरे YouTube को छान मारो ऐसा दिख जाए तो मेरे को आप बताना कि सर दिखा है ये पहली बार याद किया हूं आपको सिखाने के लिए हर लोग बस बताएंगे देखो ऑफ मतलब कहा के पीपल इंडिया नहीं होता आप दे रहा ये पहला तरीका है इसी के देख करके लोग नकल कर सकते हैं लेकिन ये पहला तरीका एक मात्र तरीका है इसको सीख गए तो अंग्रेजी चुटकियों में सोल्व करना शुरू कर दोगे आप तो यहाँ पे तीन नंबर हो गया इनको हमने कहा चार नंबर पीपल को हमने कहा पांच नंबर ऑफ को कहा छः नंबर पोजिशन को कहा सात नंबर बोलो कोई परेशानी यहां तक है अब हम चलेंगे कहां से पीछे से मतलब दाएं से इसको हमने दिया कितने वेरी पिटिएबल एक वर्ड इसको हमने दिया आठ नंबर और ईज को सबसे अंतिम देने बता दिया था तो इसको मैं दिया नौ नंबर अब जो नंबरिंग कर दिया इससे आपको अंग्रेजी से हिंदी करने में बिल्कुल आसान बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो ट्रांसलेटर के होते हैं यू के होते हैं जिसमें इंग्लिश के बहुत सारे पैसे देता है उसमें लड़का नहीं कर पाता आप उसकी मदद करिए ना उस बच्चे को नहीं आता उसको दे दीजिए उसके लिए तो प्राण है उसके लिए प्राण है ये उसके लिए अमृत है ये वो बच्चा इसको ढूंढता है नहीं मिलता डी मिलेगा आपको तो इसको आप जानिए यहाँ पर क्या हमने कहा इस अब इसके बाएं से देखिए इंडिया अब इंडिया के लिए क्या लिखूँ मैं यहाँ देखिए इसको ले जा रहा हूँ यहाँ लिखा हमने भारत आप देखते जाओ क्या लिखा हमने भारत भारत के बाद ऑफ ऑफ को मैं यहाँ लाए लिखे का अब ग्रामीण क्षेत्रों द रूरल साइट्स अगर वो क्या है? रूरल मतलब ग्रामीण मतलब क्षेत्र तो ग्रामीण अब है तो क्षेत्रों तो द रूरल साइट्स तो ऑफ यहां क्या हमने कहा का, का ग्रामीण भारत का या के तो भारत के बोल दो ग्रामीण वो आपको का के की ऑफ का मतलब का के की तीनों हो होता है तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों अब इनका मतलब देखो मे यहां हो गया रूरल साइट्स ग्रामीण क्षेत्रों में है ना पीपल अभी मैं लोग लिख रहा हूं लोग का ए हो गया का पीपल मतलब देखो यहाँ पे लोग ऑफ का मतलब देखो यहाँ पे का पोजीशन मतलब स्थिति स्थिति अब देखो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अब लोग अच्छा नहीं लग रहा ना तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो क्या बोलेंगे लोगों की स्थिति है ना तो का के की तो आपको हिंदी थोड़ा सा दिमाग लगना भाई हिंदी तो मेरा भी कमजोर है ना तो हमने कहा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति स्थिति अब देखिए क्या कहा वेरी पिटिएबल बहुत याद आठ नंबर सात तक हो गया हम लोगों का आठ नंबर यहां पर आ रहा है बहुत दैनीय पीटिएबल कहीं थी क्या होते बच्चे दैनीय और इज का मतलब है तो बहुत दैनीय है अब बताओ हमने क्या कहा पोजीशन ऑफ पीपल इन द रूरल साइट्स ऑफ इंडिया इज वेरी पेटिएबल अब हिंदी निकालना था तो हमने क्या निकाला इज को हटा दिया इज हो गया नाइन नंबर तो वहां से लिया इंडिया भारत ऑफ साइट्स, रूरल साइट्स तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है अब देखो छोड़ा सा हमने लोग को लोगों किया का को की किया तो ऑफ का हिंदी क्या होता है का के की का के की। अब आपको देखना है कि कहाँ पे छेट होता, कहाँ पे ये सेट होता है का कहाँ पे के कहाँ पे की अब देखो पीपल का मतलब लोग भी होता है और पीपल का मतलब लोगों भी होता है है ना तो ये आपको जानना पड़ेगा कि इसका सेंस किस तरह से हम निकाल सकते हैं लोग या लोगो इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमने एक आइडिया दिया आपके अंदर एक सेंस दिया इससे आपके अंदर डर खत्म हो गया आप आराम से इसको देखो मैं पूरा खाली छोड़ दिया अब इसको देख करके आराम से कॉपी करो अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं ना फिर भी आपको हेल्प मिलेगा हिंदी मीडियम के हैं ना तो आपके लिए अमृत है इसको पी लो और इसको पूरे भारत में ना हर बच्चे को दो क्योंकि इसको जरूरत है हर बच्चा चाहे चा, बिहार का हो चाहे यूपी का चा, हरियाणा का चाहे पंजाब का चाहे भारत में कहीं का हो उसको हिंदी चाहिए ही चाहिए तो अब इसके करने के बाद ना उसके लिए पेपर पढ़ना बच्चों का खेल हो जाएगा चुटकी बजाएगा उसको हो जाएगा बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है अब हमने यहां पे क्या किया एक और बड़ा सेंटेंस लिया हमने मैं, मैं चाहता क्या हूं बड़ा छोटा मतलब नहीं है मैं चाहता हूं कि एक सेंटेंस को चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो आप आसानी से अंग्रेजी से हिंदी कर पाए तो आप मुझे बताओ क्या करना है सबसे पहले क्या कहा सबसे पहले वर्ब को सर बॉक्स बनाइए बना दिया वर्ब को बॉक्स बना दिया बना दिया ना अब सर प्रेपोजिशन को सर्कल कीजिए कर लिया दाएं करिए सर दाएं भी कर रहे हैं अब आप बता दे चलो इंडियन बस और तो मुझे कुछ दिखे बिफोर दिखा ये दिखा कर लिया सर्कल अब नंबरिंग करिए सर बाएं से याद रखो बेटा बाएं से नंबरिंग करिए तो हमने यहां से बाएं चला एक नंबर ऑफ को दिया दो नंबर आनंद भवन हो गया तीन नंबर अब सर पीछे से चार नंबर पांच नंबर इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट होल यहां तक तो हो गया तुम्हारा छह नंबर ऑफ सात नंबर और एनएक्टिव सेंटर नौ नंबर आठ नंबर और वाज हो गया नाइन नंबर राइट ऐसे तो करना है अब ऐसे कर करके आप हिंदी फटाफट निकाल लीजिए आप हिंदी बताओ मुझे नहीं आता आप बताओ हिंदी अब मुझे बताओ अलाहाबाद इलाहाबाद के पीछे चले ना एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार पांच छ सात आठ नौ है ना तो इलाहाबाद के आनंद भवन आनंद भवन इलाहाबाद के आनंद भवन अब देखो क्या लिखा 1947 बिफोर से पहले देख रहा हो बिफोर से पहले होल इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट होल का मतलब क्या होता है संपूर्ण संपूर्ण इंडियन भारतीय पॉलिटिकल, संपूर्ण भारतीय भारतीय राजनीतिक संपूर्ण भारतीय राजनीतिक गतिविधि मूवमेंट मतलब गतिविधि ठीक है बच्चे गतिविधि है ना गतिविधि सात नंबर हो गया का ऑफ देख रहे हो का ऑफ सात नंबर एक्टिव मूवमेंट एक एक्टिव मूवमेंट एक एक का एक एक्टिव का मतलब सक्रिय केंद्र सेंटर मतलब केंद्र और वाज का मतलब था वाज का मतलब था अब देख रहे हो आप हमने क्या करा कुछ नहीं करा अब देखो आराम से हिंदी कितना लॉलीपॉप ये चमत्कार नहीं है तो क्या है आप देखो यहां से हमने क्या किया वाच बॉक्स दिया अब देखो लिखा अलाहाबाद ऑफ का मतलब के आनंद भवन फिर कहा हमने नाइनटीन फोर्टी सेवन बिफोर का मतलब से बिफोर से पहले इंडियन संपूर्ण भारतीय होल इंडियन पोलिटिकल मूवमेंट संपूर्ण भारतीय राजनीतिक है ना एक्टिव सेंटर एक्टिव सेंटर देखो का एक सक्रिय केंद्र वाज का मतलब था अब बताओ कि ये आसान नहीं हुआ तो क्या हुआ इसके आधार पर आप तूफान सेंटेंस ले आओ और इजी में कर पाओ मैं आपको एक सलाह देता हूं अगर अंग्रेजी बढ़िया से करना चाहते हो तो आप दिल्ली दूर नहीं है अब दिल्ली आ करके फेस टू फेस पढ़ करके क्रांति ला सकते हो आप कहते हो मान लो हाउस वाइफ हैं घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो घर बैठ के मोबाइल है ना मोबाइल में पढ़ सकते हो हमने ऐप बनाया है उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके घर बैठ के आप पूरा क्लास देख सकते हो और अगर मान लो प्ले स्टोर पर ऐप ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से भी ले सकते हो आप तो इस तरह से आप डाउनलोड करके आप पूरा वीडियो देख सकते हो क्लास कर सकते हो घर बैठ करके भी इसके साथ साथ आप स्पोकन भी करना चाहते हो ना तो उसका भी सुविधा किया गया है अब दिल्ली दूर नहीं है अब ऑनलाइन क्लास ऐप पे भी ले सकते हो और दिल्ली आकर के भी कर सकते हो और साथ साथ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है हमने बहुत मेहनत किया है इसके लिए और मेहनत किया है सिर्फ आपको सिखाने के लिए इस भारत में आप कहते हो सर क्रांति की बात तो मैं आपको यूट्यूब पर तो दे रहा हूँ लेकिन यूट्यूब पर पूरा संभव है क्या नहीं ना तो यूट्यूब पर पूरा क्लास डेढ़ घंटे का संभव कैसे है संभव नहीं है उतना क्लास आप नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर एक नमूना है इसको आप करते रहेंगे और जहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछते रहेंगे मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए तैयार हूं बस आप लगे रहें करते हैं थैंक यू वेरी मच